अस्सलामुअलैकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इक्तिसादी तालुकात के लिए नए बाब का आगाज हो रहा है। रूस का 64 रुकनी आला सतह वफद पाकिस्तान पहुंच गया। रूस ने मुख्तलिफ शबों में सरमायाकारी और बाहमी तजारत के फरोग में दिलचस्पी जाहिर की। रूसी कंपनियों ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर तक सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। रूसी कंपनी पाकिस्तान स्टील में 1 अरब डॉलर तक सरमायाकारी कर सकती है। अमेरिका ने पाकिस्तान में दर्जनों मशकूक पुलिस मुकाबलों के मरकजी किरदार SSP मलीर राव अनवार को ब्लैकलिस्ट करार देते हुए इनकी जायदाद की जब्तगी और लेन देन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। राव अनवार के साथ ही बर्मा, लेबिया, सलोकिया, कांगो, जनूबी सूडान और दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद को भी इस फहरिस्त में शामिल कर दिया, जिनकी कुल तादाद 18 है। इन तमाम अफराद को ब्लैकलिस्ट करार देते हुए इन पर पाबंदी आयद कर दी गई। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गई। महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात के मुताबिक सेंट्रल लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रिकॉर्ड किया गया, जबकि वागा के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 492 रिकॉर्ड किया गया। टीबी माहिरीन के मुताबिक शहर में पोल्यूशन बढ़ने से शहरी गले, नाक और सांस लेने में दुश्वारी समेत दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के अहले खाना ने नवाज शरीफ के दिलो दिमाग को खून फ्राहम करने वाली बंद शरीरों को खुलवाने के लिए अमरीका के कदीम हस्पताल में इलाज के लिए राब्ता कर लिया। नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन से अमरीका इलाज की गर्ज से रवाना हो जाएंगे। दिल को खून फ्राहम करने वाली शरीरों में 5 स्टेंट पहले ही डाले जा चुके हैं, इनमें से 3 स्टेंट बंद पड़े हैं। नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन से अमरीका के शहर बोस्टीन रवाना हो जाएंगे। सियालकोट एयरपोर्ट का रनवे खराब होने के बाइस जद्दा से सियालकोट आने वाली PIA की परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। तैयारा लैंडिंग के बाद टर्न हो रहा था कि रनवे अचानक बैठ गया। रनवे खराब होने की वजह से तैयारे का टायर फट गया। टायर मुकम्मल तौर पर नकारा हो गया, जिसके बाइस PIA को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।